का मैच याद आया जो आखिरी बार मैंने सन 48 में देखा था, जो डबलिन कॉलेज और लाहौर और इस्लामिया कॉलेज लाहौर का सालाना मैच था। तो उसको देखने के बाद मेरे जहन में ये नक्शा बैठ गया और घर जब आया तो मैंने एक मजमून लिखा जो आपको सुनाता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज लाहौर का सालाना क्रिकेट मैच दंगल भी था और जश्न भी। लोग इसी शौक से हर साल यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैदान में आते जैसे किसी उर्स में जा रहे हैं। असल में ये मुकाबला दो टीमों का ना था, लाहौर के दरवाजों के अंदर रहने वाले बासियों का उनसे जो दरवाजों के बाहर रहते हैं। बाज इसको कुफ्र और इस्लाम की जंग समझते थे और बाज दंगल का अखाड़ा। इस्लामिया कॉलेज में गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते थे, बेशतर लड़के हिसाब में कमजोर होने की वजह से दसवीं जमात में इतने नंबर न ले पाते कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के दाखिले की शर्तें पूरी कर सकें। सो मजबूरी की वजह से वालिदैन उन्हें इस्लामिया कॉलेज में दाखिल करा देते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद उन लड़कों को अच्छी नौकरियों की उम्मीद कम रहती थी। पढ़ने लिखने में तो वो अपना लोहा मनवा नहीं सकते थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में उनकी तमाम रही सही हसरतें पूरी हो जाती थी। क्रिकेट में उनकी बर्तरी मुसलम थी। इस सदी में तकसीम के वक्त तक ये मुकाबला लाहौर की समाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। अहले हिल्फा जो अंदरून में शहर रहते हैं बड़ी तादाद में उसे देखने आते थे। कुछ लोग नारे लगाने के लिए, लेकिन एक गुरोह उन लोगों का था जो तरह तरह के आवाजें कसते। एक आध बार जब गवर्नमेंट कॉलेज की जीत हुई तब भी उनके फिक्रों की काट में कमी ना आई। राम प्रकाश गवर्नमेंट कॉलेज का बल्ला नवाज जब पहले पंजों और फिर एड़ियों पर पीछे की तरफ झुककर गेंद बाउंड्री की तरफ मारता तो उसका पूरा जिस्म घूम घूम जाता, इसलिए उसे लाटू के नाम से पुकारा जाता था। हमारे पंजाब में लट्टू को लोग लाटू कहते हैं। राम प्रकाश सैकड़ा नहीं दो दो सैकड़े बनाता था। जैसे ही उसने चब्बा लगाया किसी दिल जले ने आवाजा कसा, ओए लाटू तेरी दीपंदीरी। ये मुकाबला अवाम और खवास का था, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम टकराव नहीं कह सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से खेलने वाले कई मुसलमान थे, लेकिन भाटी और नोची और मस्ती दरवाजे के बासी उन्हें टोली बच्चा समझते थे। इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने वाले शलवार और पाजामे में कॉलेज चले जाते, गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म धजीले सजिल कोट पतलून टाई में कसे कसाए होते, उनके चेहरे भी चिकने और मुलायम थे। इस्लामिया कॉलेज वाले अपने चेहरों की खुदरेपन को मर्दानगी और मुसलमानियत की अजमत की अलामत समझते थे। मैच देखने वालों में एक दस्ता अमृत परस्तों का भी होता था, जिन्हें अमीर खुसरो से तो शायद वाकफियत न होगी, लेकिन उनका तरीक ये था कि हिंदू बच्चा बीन के अजब हुसन धरे छे, और इस तरीके की वो पैरवी यूं करते थे कि चूंकि हिंदू बच्चा सरतापा शकर है इसलिए ये मैं दोहरा नहीं सकता। अगर हरीश शिंगलू किसी गेंद को हिट मारने में नाकामयाब रहा या कोई गेंद उसके सर के ऊपर से गुजर गई तो फौरन उसकी सलामती की दुआएं मांगी जाती, और अगर विश्वा प्रसाद ने किसी गेंद को डर के खेला तो उसे चुमकार पुचकार कर तजवीज दी जाती कि खेल छोड़कर उनकी बगल में आन बैठे तो क्रिकेट की गेंद तो क्या वो रूई का फोया भी उस तक नहीं पहुंचने देंगे।